जय हिंद। फ्यूचर ऑफ इंडिया पर आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं हूं हिमांशु कुमार और इस वीडियो में आज हम लोग बात करने जा रहे हैं फिर से एक बार विकास लाइफ केयर कंपनी के बारे में। देखिए, विकास लाइफ केयर से संबंधित दो तीन अपडेट आए हैं जिस अपडेट के बारे में आपको बताना जरूरी है। सबसे पहला अपडेट है कि कंपनी के जो Q3 के नंबर हैं वो आ गए हैं। तो Q3 के नंबर कैसे आए हैं और इस नंबर को लेकर आने वाले समय में कंपनी के शेयर प्राइस में क्या तेज़ी देखने को मिलेगी या नहीं मिलेगी, इसके बारे में बात होगी। दूसरा अपडेट है कंपनी ने फिर एक बार नया अपना स्टेक लिया है। वो कंपनी है, उसका नाम है कोहिनूर फूड्स करके। कोहिनूर फूड्स भारत में बेसिकली बासमती चावल को ब्रांड्स के लिए जाना जाता है। उसमें कंपनी ने अपना स्टेक लिया है, यानी कि उसमें कुछ हिस्सेदारी खरीदी है, उसके बारे में बात होगी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि सब चीज़ जब कंपनी में बढ़िया हो रहा है तो इसके जो प्रमोटर्स हैं वो अपनी हिस्सेदारी क्यों घटा रहे हैं, इसके बारे में भी इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो कुल तीन अपडेट के बारे में, कुल तीन जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने जा रही है विकास लाइफ केयर के बारे में। तो शुरुआत करते हैं शुरू से। देखिए, विकास लाइफ केयर का शेयर प्राइस देखेंगे तो आज के दिन तकरीबन 4.55 रुपये अपडेट कर रहा है और आज के दिन भी तकरीबन 3.5% के आसपास इसमें गिरावट देखने को मिली है। पिछले 6 महीने में देख सकते हैं 7.5% के आसपास तकरीबन इसमें गिरावट देखने को मिला है। पिछले 1 महीने में देखेंगे तो फिर 1 महीने में थोड़ा सा चढ़ा है और वहीं एक सप्ताह से देखेंगे तो स्टॉक लगता है नीचे की तरफ जा रहा है। अब देखिए, पिछली वीडियो मैंने आपको बताया था कि ये जो विकास लाइफ केयर है, यहाँ पर जब आप देखेंगे इसके मैक्सिमम चार्ट पैटर्न में, जो साल भर का यह चार्ट पैटर्न है, तो साल भर में देखेंगे तो यहाँ से लेकर और यहाँ तक स्टॉक को भी कंसोलिडेट करते हुए आपको नजर आ रहा है। सिर्फ दो प्राइस के बीच में इसका जो शेयर प्राइस है घूम रहा है। तकरीबन मैंने बताया था कि 5.5 रुपये से लेकर 4.5 रुपये इसी बीच में इस कंपनी का शेयर प्राइस रह रहा है। तो देखिए, अब जब इस कंपनी के Q3 के नंबर आ गए हैं तो क्या इसके शेयर प्राइस में तेजी आएगी कि नहीं, पहले इस पर बात करते हैं। इसके लिए हम पहले Q3 के नंबर को देख लेते हैं। देखिए, कंपनी के जो Q3 के नंबर आए हैं यहाँ पर हैं आपके सामने। Q3 में देखेंगे कंपनी का जो टोटल सेल्स हुआ है दिसंबर माह में, वो तकरीबन 131 करोड़ का हुआ है, जो कि पिछले क्वार्टर में यानी कि सितंबर के क्वार्टर में जो आप देखेंगे तो ये था 128 करोड़ रुपए के आसपास, जो कि अभी बढ़कर 131 करोड़ हो गया है, यानी कि सेल्स बढ़ते हुए दिखा है। सेल्स बढ़ रहा है तो कंपनी का जो प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट जो टैक्स वैक्स देने के बाद बचता है, तो देख सकते हैं यह भी बढ़ा है। ये पहले जो सितंबर के क्वार्टर के यानी Q2 में था 2.50 करोड़, वहाँ से बढ़कर सीधे 8 करोड़ रुपए के आसपास हो गया है। दोस्तों, ये काफ़ी शानदार बात है, कंपनी का इस बार प्रॉफिट शानदार हुआ है। प्रॉफिट शानदार होने के पीछे की वजह ये भी है कि कंपनी अपना बिजनेस लगातार एक्सपेंड कर रही है। आपको पता है पहले था कि विकास लाइफ केयर प्लास्टिक पॉलीमर के सेगमेंट में काम करती थी, केमिकल वगैरह बनाती थी। बाद में कंपनी ने FMCG में भी अपना स्टेक बढ़ाया और आपने कुछ दिन पहले सुना होगा अर्धसैनिक कैंटीन है, उसमें भी कंपनी ने 30% के आसपास अपना स्टेक लिया था। कंपनी एग्रीकल्चर के बिजनेस में भी कूदी हुई है। तो अब ये जो कंपनी है, जब एग्रीकल्चर के बिजनेस में, FMCG के बिजनेस में, तो ये फूड के बिजनेस में आना चाह रही है। और कहीं ना कहीं ये पिछले कई दिनों से आप देख रहे होंगे कंपनी का बिजनेस एक्सपेंडन लगातार बढ़ रहा है। लगातार जब बिजनेस एक्सपेंड हो रहा है तो जिस बिजनेस में कंपनी अपने पांव जमा रही है वहां से इसको अच्छा खासा रेवेन्यू प्राप्त हो रहा है, जो कि इसके प्रॉफिट को बढ़ने में मददगार साबित हो रहा है। तो प्रॉफिट बढ़ा है, ये हालांकि अच्छी बात है, प्रॉफिट बढ़ा है, तो कहीं ना कहीं कंपनी अपना जो बिजनेस एक्सपेंड करे उसका अच्छा प्रभाव इस कंपनी पर देखने को मिल रहा है। तो ये तो क्वार्टरली रिजल्ट जो आए हैं इसकी बात होगी। अब क्या इस रिजल्ट के बेसिस पर हम कह सकते हैं कंपनी का जो शेयर प्राइस है, जिसमें अभी अच्छी खासी तेज़ी देखने को नहीं मिल रही, जिसमें अभी आप देख सकते हैं कि आज के दिन भी इसमें थोड़ा सा गिरावट देखने को मिला है, उसमें तेज़ी आएगी कि नहीं, तो देखिए ये डिपेंड करता है कि ओवरऑल मार्केट का सीनेरियो आने वाले कुछ दिनों तक कैसा रह रहा है उसके ऊपर भी। फंडामेंटल में कंपनी की कोई दिक्कत नहीं, विकास लाइफ केयर का फंडामेंटल ठीक है और धीरे धीरे ठीक ही हो रहा है। अभी आज के दिन देखेंगे तो मार्केट में भारी गिरावट देखने को मिला है। तो ये सभी फैक्टर होते हैं शेयर प्राइस में गिरावट आने के लिए। और लंबी अवधि के लिए यदि आपके पास स्टॉक है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये आप स्टॉक आप बेशक इसमें बने रहिए, चिंता वाली कोई बात नहीं है। दूसरी बात करते हैं कंपनी ने जो कोहिनूर फूड्स में अपना स्टेक एक्वायर किया उसके बारे में। देखिए, कोहिनूर फूड्स भारत में बासमती चावल के ब्रांड्स के लिए जाना जाता है और इसमें अडानी बिलमार की भी हिस्सेदारी है। अडानी बिलमार FMCG के क्षेत्र में काम करने वाली भारत की बहुत बड़ी कंपनी है और अडानी के नाम जिस कंपनी के साथ जुड़ जाता है उसके शेयर प्राइस में तेज़ी आती है। तो कोहिनूर फूड्स में जब अडानी ने अपना एंट्री लिया था उस समय खूब तेज़ी बनी थी कोहिनूर फूड्स में, कमाने वालों ने खूब पैसा कमाया था कोहिनूर फूड्स में। अब इसी कोहिनूर फूड्स में जो है विकास लाइफ केयर ने भी अपनी हिस्सेदारी ली है, इसमें इन्वेस्टमेंट किया है। तो एक बात मानकर चलिए कोहिनूर फूड्स में विकास लाइफ केयर की जो हिस्सेदारी है तो विकास लाइफ केयर के शेयर प्राइस में आने वाले दिनों में तेज़ी देखने को मिलेगी, क्योंकि इससे कंपनी की कमाई और बढ़ेगी। कमाई बढ़ेगी तो देखिए गाहे बगाहे आप मानकर चलिए कि आने वाले समय में विकास लाइफ केयर में ज़बरदस्त तेज़ी आएगी ही आएगी। इसलिए आप लंबी अवधि का नज़रिया इसमें बनाकर चलिए। शॉर्ट टर्म में जो भी गिरावट हो रहा है वो आप डेली, सबसे पहले इसको देखिए, डेली देखेगा तो उतना होगा, आप लंबी अवधि का नजरिया चलिए, विकास लाइफ केयर आपको निराश नहीं करेगा। दूसरी बात, यहाँ पर बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न्स में, कि शेयर होल्डिंग पैटर्न्स में जब सब कुछ ठीक है तो प्रमोटर्स अपनी हिस्सेदारी लगातार कम क्यों कर रहे हैं, वहीं पर देखेंगे विदेशी निवेशकों की अपनी हिस्सेदारी कम कर रहे हैं। तो देखिए, एक पेनी स्टॉक है ये तो बात हम सभी जानते हैं, तो एक पेनी स्टॉक में हर एक चीज़ आपको 100% बढ़िया होते हुए नहीं मिल सकता। 100% हर एक चीज़ पेनी स्टॉक में बढ़िया नहीं मिल सकता है, ये बात आपको मानना पड़ेगा।
प्रमोटर्स होल्डिंग कम हो रही, चिंता कोई बात नहीं, कहीं ना कहीं पब्लिक की तो हिस्सेदारी इसमें बढ़ रही है ना। कोई तो प्रमोटर्स यदि अपने शेयर को बेच रहे हैं तो कोई तो ये स्टॉक खरीद रहा है, इसलिए ये सब बातों पर आप ध्यान मत दीजिए। आप ये देखिए कि आपका इन्वेस्टमेंट जिस कंपनी में है उस कंपनी का फंडामेंटल बेहतर हो रहा है कि नहीं, कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है वो बिजनेस मॉडल आने वाले समय में कारगर होगा कि नहीं, उसमें ग्रोथ आएगी कि नहीं, तो ये सभी चीज़ बेहतर है और आने वाले चीज़ों में आने वाले समय में और ये बेहतर होंगी। तो कंपनी का प्रदर्शन अच्छा होगा, कंपनी का कमाई बढ़िया होगा, तो शेयर होल्डिंग्स का भी जो शेयर होल्डर्स हैं उनकी भी कमाई तगड़ी होगी शेयर प्राइस बढ़ने के साथ साथ। तो इसलिए आपको इसमें निराश नहीं होना है, विकास लाइफ केयर लंबी रेस का घोड़ा है, आप इसमें समय दीजिए, विकास लाइफ केयर आपको निराश नहीं करेगा। उम्मीद करता हूँ विकास लाइफ केयर के बारे में जो बातें मैंने बताई आप समझ पा रहे होंगे, ये अपडेट या जानकारी आपको पसंद आई होगी। मन में कोई सवाल है कन्फ्यूजन है तो उसको मन में जरूर पूछिए। पर्सनली मुझसे जुड़कर बातें करने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।